हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको कुछ इस तरीके से जो है क्रिसमस डे के हार्दिक शुभकामना का बैनर पोस्टर डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप ये जो बैनर पोस्टर डिज़ाइन देख रहे हो, इसका PLP फाइल और PNG दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें पासवर्ड लगा रहेगा, पासवर्ड आपको वीडियो में ही बोल के बताया जाएगा। पासवर्ड 4 है, पासवर्ड 6 है, पासवर्ड 8 है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, कैसे क्या करना है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में ही बताया जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बैनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पिक्सेल लैब में आना है, और आने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे नीचे के साइड में फोन नंबर की ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का, यानी फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन करके रहेगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आप अपनी गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बैनर का बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसको क्लिक करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट दिखेगा, एक ऑप्शन भी है, इसको डिलीट कर देना। अभी आपको वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन भी जाना है। और यहाँ पे दोस्तों एक एक करके जो भी सारा PNG मैंने दिया हुआ है आप लोगों को इस बैनर को बनाने के लिए, वो सारा PNG यहाँ पे ओपन करके एक एक करके आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखा रहा हूँ, कुछ उसी तरीके से सेट करना है। आप यहाँ पे वीडियो में ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पासवर्ड वीडियो में 3 जगह पर देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, बोल के भी बताया जाएगा। पासवर्ड 2 है, पासवर्ड 5 है, पासवर्ड 6 है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो मुझे पता है आप लोग पक्का है कि आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। आप लोग फिर कमेंट करने आ जाओगे, पासवर्ड नहीं दिया है, पासवर्ड गलत बता रहा है, चूतिया बनाता है, यही सब मतलब कुछ भी लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, आपको बता भी नहीं सकता हूँ ऐसा ऐसा कमेंट आता है। जबकि मैं हर एक वीडियो में ही बोलता हूँ आपको, वीडियो में पासवर्ड कुछ सेकेंड के लिए आएगा, तुरंत चले जाएगा। इतने में अगर आपने स्किप कर दिया, अगर वहाँ पर पासवर्ड स्किप हो गया तो आपको फाइल ओपन नहीं कर पाओगे। तो क्या है दोस्तों, जब आप वीडियो देख ही रहे हो तो एक बार अच्छे से ही देख लो। अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको पक्का यकीन है पासवर्ड मिल ही जाएगा वीडियो में, और आप PLP फाइल को डाउनलोड करके बैनर को भी बना पाओगे। पासवर्ड 2। तो चलिए फिलहाल अभी जो भी PNG है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो क्रिसमस, आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ वो है। और यहाँ पे जो क्रिसमस का एक और PNG था, यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे एरा, इसको भी क्लिक करके मैंने ओपन किया। साइज में इसका छोटा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, मैं शैडो के ऑप्शन पे इसको इनेबल कर लेता हूँ। इस शैडो में मैं ग्रीन कलर डाल के ब्लर रेडियस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ऑफसेट XY को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ऊपर राइट ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे सेट करके हो चुका है। अभी मैं अपना बैनर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा जो बैनर यहाँ पे रहा, इसको मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप ऊपर सबसे ऊपर देख सकते हो मेरे बैनर में कुछ शायरी लिखा गया है जो इस क्रिसमस डे के बारे में है। तो ऐसा शायरी लिखने के लिए आपको क्या करना है, प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट लेना है, एक ही ऑप्शन भी आके एडिट के ऑप्शन भी जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी लिखा गया उसको कट कर देना है, और यहाँ पर आप जो भी शायरी जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शायरी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, और डन के ऑप्शन क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी के लिए मैं इस बैनर को यहाँ पे नीचे साइड में कर देता हूँ, और इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चले जाना है कलर के ऑप्शन पे, जो भी आपको कलर पसंद है यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करोगे। अभी के लिए मैं यही कलर को रहने देता हूँ, ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, जाता हूँ मैं फॉन्ट के ऑप्शन पे। जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है दोस्तों यहाँ पे उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने ये वाले फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया, नीचे मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे अभी आपको चले जाना है इलाइजन के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको ये सेंटर वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको आगे बढ़ाना है, पीछे करना है। देखोगे तो आपको जो इस टेक्स्ट है इसका बीच का स्पेस कम होगा, तो आपको इसको माइनस में कुछ इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे अभी आप इसका साइज बड़ा छोटा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे इसको आपको सेट करके राइट के ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आप इसको इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद स्ट्रोक में आप जो है कोई भी कलर दे सकती हो। अगर आप मेरे बैनर में देखने जाओगे तो मैंने ब्लैक कलर दिया है, तो अभी के लिए यहाँ मैं ग्रीन डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा के ऊपर मैं राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरा इतना काम करके हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे दोस्तों अपना फोटो ओपन करूँगा, सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं कोई एक फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ जो मुझे इस बैनर में लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उस फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं पिक्चर के ऑप्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे जो फोटो ही रहा है इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर से मैं रोटेट कर देता हूँ, नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, साइज में थोड़ा सा बड़ा करके इसको थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ, साइज छोटा करके इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी फ़ोटो रहेगा, जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हो यहाँ पे बैनर पोस्टर में, वो यहाँ पे ओपन करके लगाओगे।
लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, इसी को सिलेक्ट करके कॉपी ले लेता हूँ, एडिट के ऑप्शन भी आता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा गया इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अपने कीबोर्ड को जो है हिंदी में कर लूँगा, तभी मैं यहाँ पे हिंदी में लिख पाऊँगा। तो यहाँ मैंने हिंदी में कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा, डन के ऑप्शन क्लिक करके मैंने ओके किया। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लाके सेट कर देता हूँ, साइज में थोड़ा सा और बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। पासवर्ड 4, आप चाहे तो इसमें अलग कलर, आप इसमें फॉन्ट अलग जो भी देना रहेगा दे सकते हो। तो उसके लिए कलर के ऑप्शन में जाके यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट कलर, ऊपर मैं राइट ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैं स्ट्रोक ऑप्शन पर जाके स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ। आप स्ट्रोक में कोई और भी कलर ले सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है। फिलहाल मैं अभी के लिए कोई भी कलर को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके नीचे आते तो यहाँ पे आपको कुछ सोशल मीडिया के नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी व्हाट्सअप का नंबर डालना रहेगा, इंस्टाग्राम का नाम डालना रहेगा, उसके लिए प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है। यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में सब आइकन मिल जाएंगे तीनों में, जो भी जैसे मुझे अभी के लिए फेसबुक का लगाना है तो फेसबुक का आपको क्लिक करके ओपन करना है। नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करना है, साइज आपको इसका छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे लाना है और यहाँ पे नीचे सेट कर देना है। यहाँ पे अगर आप सेट नहीं कर पा रहे तो जूम का ऑप्शन क्लिक करोगे, इसको जूम करोगे कुछ इस तरीके से। जूम करने के बाद यहाँ पे आप जो इसका साइज अभी आप आसानी से छोटा करके इसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद दोस्तों अभी आपको क्या करना है, प्लस के ऑप्शन क्लिक करके नया टेक्स्ट लेना है, एडिट के ऑप्शन भी आना है, जो भी लिखा गया है उसको कट कर देना है। अभी आपका फेसबुक पे जो भी नाम है यहाँ पे आप वो नाम लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, डन के ऑप्शन क्लिक करके ओके कर देता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, साइज में इसका छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इस आइकन के आगे जाकर मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है। जैसे मैंने ग्रीन कलर दे दिया हुआ है। अभी मैं ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करके इसको जूम के ऑप्शन क्लिक करके पहले जैसा कर लेता हूँ जो मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। और यहाँ मेरा पहले वाला जो बैनर है इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो भी मैंने काम किया अभी इस बैनर में वो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अभी के लिए इतना ही काम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम का और व्हाट्सअप का आइकन नहीं ओपन करके दिखाया, नहीं सेट करके दिखाया, तो इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको फेसबुक का सेट करके दिखाया। तो इतना तो दोस्तों आप कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया, फॉन्ट सेलेक्ट करके बता दिया, कलर सेलेक्ट करके बता दिया। तो कुछ इसी तरीके से करना है, इतना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप बैनर को बना लोगे इसको गैलरी में सेव करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे शेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे डायमेंशन का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन रहता है। साइड में डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऊपर सेव टू गैलरी का यहाँ पे देखोगे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो भी डिज़ाइन, जो भी बैनर पोस्टर बना रहता है, वो बैनर पोस्टर आपकी गैलरी में जाकर सेव हो जाता है। तो कुछ इतना ही काम करना है दोस्तों क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामना का बैनर को बनाने के लिए। पासवर्ड 1, जाइए आप भी कुछ इस तरीके से बैनर को बनाइए। चलिए आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।